भारतीय युवक कांग्रेस द्वारा संभागीय आयुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर वन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हसबेंड स्कूल कैंपस, अजमेर। अजमेर में आज भारतीय युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए मांग की गई है कि अजमेर के संस्कृति स्कूल में पिछले 3 साल से एक भी बच्चे को RTE के तहत एडमिशन नहीं दिया गया है, जिस कारण बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इसकी जानकारी शिक्षा अधिकारी को भी दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक उनके द्वारा भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। वहीं कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए और स्कूल पर भी सख्त कार्यवाही की जाए। सर देखिए, RTE के एडमिशन को लेकर के हमारी UP सरकार थी, उन्होंने RTE में एडमिशन का अधिकार स्टार्ट किया था, सबको पढ़ाई सबको अधिकार, और उसमें गरीब तबके के लोग, मीडियम परिवार के लोग जो अच्छे स्कूल में प्राइवेट में नहीं पढ़ पाते थे, उनको उसका अधिकार दिया स्कूल, अच्छे स्कूल पढ़ने का, और उनका जो पूरा निर्वहन था, खर्चा था, सारा सरकार ही उठाती थी और आज भी उठाई रही है। और ऐसे में अजमेर में शहर में एक स्कूल है, संस्कृति का दुद्धा स्कूल, जो अपने सरकार रखते हुए उन्होंने 3 साल से किसी भी बच्चे को RTE में एडमिशन नहीं दे रही है, किसी भी छात्रों को एडमिशन नहीं दे रही है। इस बार भी छात्रों ने अपने प्रवेश के लिए RTE में प्रवेश लिया, वहाँ पर फॉर्म भरे, 25% के हिसाब से फॉर्म भरे उन लोगों ने, और वो स्कूल के जो स्कूल का प्रशासन था, वो जब अभिभावक लोग वहाँ जाते थे पूछने कि सर एडमिशन का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि पोर्टल पर देखना, और वो ऐसे करके 2-3 महीने तक उन्होंने परिवार वालों को गुमराह करते हुए आगे बढ़ाते गए। और जब वो परिवार वालों ने 3-4 महीने बाद स्कूल गए, तो वहाँ जब जाके देखा कि भाई पोर्टल पर देखो, तो पोर्टल पर देखा तो वहाँ उनको सबको एक ही कारण बताया है, अन्य कारण या बच्चे ने प्रवेश के समय संबंधित मतलब हमसे संपर्क नहीं किया। अब साहब, जिस बच्चे को RTE में एडमिशन मिलेगा अच्छी स्कूल में, तो कौन नहीं लेना चाहेगा? और वो इस साल की बात नहीं है, वो 3 साल से ऐसे नियमों के धज्जे उड़ा रहा है, ये जो सरकार के जो नियम जो बने हुए RTE में, बाकी सारे स्कूलों ले रही है। क्यों नहीं लेते सर? DO साहब को भी हमने लिखित में दिया, शिकायत दी है, लेकिन साहब मेरे को कहीं ना कहीं लगता है इन स्कूलों की, बड़ी बड़ी स्कूलों की और इन लोगों की साठगांठ होती है। अगर उनको अगर कार्रवाई करनी होती तो आज 15 दिन हो गए, 15 दिन में कार्रवाई करके मान्यता रद्द करनी चाहिए थी ऐसी स्कूलों की, जो सरकार से बड़ी हो गई क्या स्कूल सर ये? आज मुझे तो लगता है कि सर सरकार ये स्कूलें जो है, जो अपने आप को प्राइवेट स्कूलें बन जाती है इतनी बड़ी बड़ी और जो रसूखात रखते हैं अपने, तो ये सरकारों से बड़े अपने आपको मानते हैं, लेकिन हमने भी सोच लिया है अगर ऐसे बच्चों को, ऐसे एक बच्ची नहीं है सर, ऐसे कम से कम इतने बच्चे हैं कि जिनको एडमिशन नहीं दिया गया इस स्कूल में, और ऐसी बच्चियों के लिए हम यहाँ खड़े हैं, यूथ कांग्रेस खड़ी है, और जब तक ये स्कूल उन बच्चों के एडमिशन नहीं लेती है, हमारा ये कार्यक्रम धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। आज हमने अजमेर संभागीय आयुक्त साहब को एक मामला उनके प्रकाश में डाला है कि अजमेर का एक स्कूल है द संस्कृति, उसके अंदर विगत 3 वर्षों से कोई भी RTI के अंदर एडमिशन उन्होंने किसी बच्चे को नहीं दिया है, और जब अभिभावक उधर जाके पता करते हैं तो उनको वो लोग टालते रहते थे, समय पूरा होने के बाद में पोर्टल पर दिखवा देख, आप कहते थे पोर्टल पर देख लीजिए, पोर्टल के ऊपर कभी भी किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है। इसकी जानकारी हमने संभागीय आयुक्त साहब को दी है और हमने आपसे ये सारी सूचना दे करके उनको, उन्होंने हमको कहा है कि इसके ऊपर ज़रूर से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का है। सरकार ने जब ये सुविधा आरंभ कर रखी है गरीब बच्चों के लिए, तो चाहे वो कोई सा भी स्कूल हो, कितना भी बड़ा स्कूल हो, उसको एडमिशन देना ही पड़ेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग अभिभावकों के साथ खड़े हुए हैं, और इसकी समस्त जिम्मेदारी उसी स्कूल प्रशासन की होगी जो इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। यूथ कांग्रेस की तरफ से क्या है? हमारी तरफ से इसका स्कूल का घेराव किया जाएगा, पहले तो हम इंतज़ार करेंगे कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाए, नहीं तो फिर इसका घेराव किया जाएगा, और स्कूल की मान्यता को रद्द करने के लिए हम माननीय शिक्षा मंत्री साहब से भी मिलेंगे।